नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग दो। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। 2 साल बाद एक नई फिल्म भगोड़ा का बंबई के एक 5 सितारा होटल में प्रीमियर रखा गया। इस फिल्म की हीरोइन माला और हीरो रितेश कुमार थे। इस कार्यक्रम में सब छोटे बड़े फिल्म स्टार, निर्देशक, गायक, राजनेता और कुछ चंबल के भूतपूर्व डाकू भी शामिल थे। उनमें शक्ति सिंह, कैलाश और उसके साथी शामिल थे। सब विशेष पैरोल पर वहां पहुंचे थे। कार्यक्रम के पश्चात वापसी के वक्त रेलवे स्टेशन पर सबके सामने ममता ने शक्ति से कहा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। 6 महीने बाद आके तूने मुझसे ब्याह ना रचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर शर्माकर शक्ति सिंह से लिपट कर उसके सीने में सर छुपा लिया। शक्ति सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, थोड़े दिन की बात है, सीधा तेरे पास ही आऊंगा। गाड़ी ने सीटी दी। ममता ने शक्ति को जाने दिया। सब जल्दी से गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी चलती, ट्रेन से कुछ हाथ हिलते रहे। ममता गाड़ी के प्लेटफॉर्म छोड़ने तक उसकी दिशा में हाथ हिलाती रही। फिर नम हुई आंखों के कोरों को रूमाल से पोंछकर वापस चलती। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।